आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। शासकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेलभाटा सारंगढ़ में DLED कार्यक्रम का किया गया समापन समारोह। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े रहे, तो वहीं श्री SN भगत जी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ ने अध्यक्षता किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में अरुण मालाकर जिला अध्यक्ष ग्रामीण सारंगढ़ रहे। आपको बता दें कि वहीं SN भगत BEO के द्वारा मुख्य अतिथियों को साल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। DLED प्रशिक्षार्थी सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिसमें सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े जी के द्वारा सर्वप्रथम माता सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद मुख्य अतिथियों का फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। सारंगढ़ से संवाददाता गोविंद बरेट की रिपोर्ट। समापन समारोह के अवसर पे सभी का अच्छा से सभी को बधाई धन्यवाद। बारी बारी से अपनी बातें कहने का और हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसके तहत उनके अभिव्यक्ति के साधन और किस प्रकार से अच्छी शिक्षा मिले उनको या बच्चों को दे सके, ऐसा विस्तार से उनको बताया गया। सर, ट्रेनर कहाँ से आए, कैसे? ट्रेनर हमारे विद्यालय के ही थे, अलग अलग विषयों के अलग अलग थे। जैसे विषय के राय जी थे जो मेरे बगल में बैठे, एक भगत सर हैं, एक अनंत सर हैं, इस प्रकार चंद्र सर भी थे, त्रिनाथ साहू भी थे, भरत देवांगन भी थे, अलग अलग विषयों के अलग अलग। तो सर, ये जितने भी आप प्रशिक्षित शिक्षक हैं, इनको प्रशिक्षित करने के लिए देश लेवल में कार्य योजना लागू किया गया है, जिसमें चयन किया गया है कि कितने शिक्षक प्रशिक्षित हैं और कितने शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। इसमें दोनों ही प्रकार से शिक्षकों का चयन किया गया है, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी। जो शिक्षित अप्रशिक्षित हैं इनका चिन्हांकित कर अप्रशिक्षित संख्याओं शिक्षकों को इसमें सम्मिलित किया गया है और उनके लिए टाइम दिया गया है कि एक समय सीमा में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित होना जरूरी है। अगर इस कार्यक्रम में समय सीमा में जो शिक्षक अप्रशिक्षित रहेंगे उनको अध्यापन या पढ़ाने का अधिकार नहीं है। कितना साल का या कितना महीना का रहता है सर ये प्रशिक्षण?